वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट दैट क्लास। आज के हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नया मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको एज ए मैराथन ही लूंगी, ठीक है, क्योंकि इस मैराथन में हम डेली बेसिस पे 12th क्लास के बायोलॉजी का जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर्स हैं, वो सारे हम कवर आउट करेंगे जो रीसेंट है, मतलब जो आफ्टर गवर्नमेंट ने जो कट आउट कर दी हैं उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका चैप्टर्स बचे हैं, जो भी आपके चैप्टर्स के पार्ट्स बचे हैं, वो आज हम यहाँ पे सारे क्लियर करेंगे। पहले आज की क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड देन कल की क्लास से हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इट्स अ मैराथन। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि वन डे में एक पूरा चैप्टर जो है वो कम्प्लीट कर दिया जाए, जिससे आपका जितने चैप्टर्स है उतने दिन का ये मैराथन स्टार्ट रहे, ठीक है। देन ये अभी हमने कंप्लीट किया था 11th क्लास का मैराथन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का मैराथन। 12th क्लास का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली जितनी जल्दी कंप्लीट होगा मैराथन कंप्लीट करेंगे। मेन वर्क ये है कि जितना भी एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है, जो भी यूपीएससी के में क्वेश्चंस आते हैं या कहीं भी जो भी चीज़ें आती हैं, वो आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस के थ्रू आप लोग गाइड हो सकें और प्रॉपरली उस चीज़ को कवर अप कर सकें, तो इसलिए ये मैराथन रखा गया है। फ्रॉम द क्लास 12th एंड सब्जेक्ट इज ओनली बायोलॉजी, ठीक है। माय सेल्फ प्रियांशु शर्मा। आज का स्टार्ट करते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं, देन सिलेबस डिस्कस करने के बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो है हम लोग क्लियर करेंगे। तो फर्स्टली जो आपका क्लास 12th के बायोलॉजी सीबीएसई Just a fade guys, please. I'm really very sorry, पीछे से noise जो इतनी ज़्यादा आ रही है उसके लिए I'm sorry. तो अब start करते हैं, पूरा syllabus discuss करेंगे, जितना भी syllabus है आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाएगा। कौन सा सिलेबस हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं, हम लोग सीबीएसई क्लास 12th का बायोलॉजिकल पार्ट का मैराथन स्टार्ट किया है गाइस। मैराथन कल से स्टार्ट होगा, आज खाली सिलेबस डिस्कशन होगा, ठीक है। आज खाली सिलेबस डिस्कशन होगा, बाकी मैराथन के जो चैप्टर स्टार्टिंग्स है वो कल से हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि आपको कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या डिलीट हो गए हैं, डिलीट तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएंगे जब क्या बोलते हैं, आपको एट ए प्रेजेंट वाले सिलेबस पता चलेगा, तो जो डिलीट कर दिया गया है वो तो वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इस बार की मार्किंग तो आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर होगी, 12th की 12th की मार्किंग किस बेसिस पे हो रही है, आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। इस बार जो 12th क्लास की मार्किंग हो रही है उनका रिजल्ट किस बेसिस पे बन रहा है, उनका रिजल्ट बन रहा है 10th का 30%, 11th का 30% एंड 12th का 40%। इस बेसिस पे पूरा आपका 11th का रिजल्ट फॉर्म होगा। इस बार जो भी बोर्ड एग्जाम थे जिन भी स्टूडेंट्स के, उनके लिए बहुत ईजी है क्योंकि उनका 10th का 30, 11th का 30 एंड 40%, 12th का 40 किस बेसिस पे, जो भी उन लोगों ने अभी तक पीरियोडिकल एग्जाम दिए हैं या कोई भी स्कूल में यूनिट टेस्ट टाइप में हुए हैं, पीटीज हुए हैं, जो भी उनका एक स्कूल में जो भी परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस पे उन लोगों को ये 40% जो है वो सबमिट कर दिया जाएगा। इस बेसिस पे उनका 12th का रिजल्ट जो है गाइस, 12th का रिजल्ट जो है वो इस बार बनाया जाएगा। इस बार उनका 12th का रिजल्ट इस हिसाब से फॉर्म होगा, 30+30 एंड +40 = 100%, ठीक है।
तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो अब स्टार्ट हो चुका है, जिसका मेन वर्क है। बट ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इस ईयर हुई है वो लास्ट, अब जो कमिंग ईयर है उसमें भी ऐसा ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों को एग्जाम्स देने हो, तो प्लीज़ गाइस आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट रखें। नो प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्स नहीं देने पड़े सीबीएसई के, आपका बोर्ड नहीं देना पड़ा 1%, बट आप लोगों को नीट देना है, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं फॉर योर फर्दर स्टडीज, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने मैराथन स्टार्ट किया है। जो भी स्टूडेंट नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिवीजन चाहिए, ठीक है, कि हमें चैप्टर वाइज रिवीजन चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं, हम इतना ज़्यादा एक साथ नहीं कर सकते, थोड़ा 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 करके हमें रिवीजन चाहिए, एक एक चैप्टर का रिवीजन चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर या 1.5 आवर का रिवीजन सेशन चाहिए, जिसमें हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो वही मैराथन हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। आपको 1 आवर या 1.5 आवर के अंदर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा उसके अंदर हर चीज़ आपको दी जाएगी, जो भी आपके सिलेबस से रिगार्डिंग है या जो भी आपके सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है। मेन मोटिव हम लोगों का यही है कि कम टाइम में आपको प्रॉपरली चीज़ों की क्लियरेंस मिल जाए, प्रॉपरली आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाए, उससे आप ही को इजी रहेगा, कम टाइम में आप हर चीज़ कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए नहीं बचा, और मोस्टली एग्जाम्स तो होने ही होने हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तो गाइस कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो आपको अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करके चलना है। तो चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर 1 डिलीट हो चुका है, तो चैप्टर 2 जो आएगा वो इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सॉरी गाइज, मेरी राइटिंग थोड़ी अभी पता नहीं क्यों आज मेरे हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आपका फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर मेनली, आप किसी भी चीज़ के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर में तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो देन ही आप आगे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्टली इज फ्लावर स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। थर्ड इज ए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी मैं आपको कराऊंगी, क्रॉस और सेल्फ जो दोनों टाइप के पॉलिनेशन है वो हम लोग करेंगे, एंड देन हम उनके एग्जाम्पल भी कवर अप करेंगे, क्योंकि ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आउटर ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है, फिर पोलन पिस्टल का जो इंट्रैक्शन है वो, देन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट, स्पेशल टाइप के मोड पैरेथनोकार्पी वगैरह जो होता है, पॉली एम्ब्रायो, क्लास सिग्निफिकेशन ऑफ सीड्स वगैरह, एंड डिस्पोजल एंड द फ्रूट फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, और मैं ट्राई करूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा है, आप खुद ही देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितने सारे मींस फ्लावर स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, डेवलपमेंट भी आपको कवर करना है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का, पॉलिनेशन भी आपको कवर अप करना है इसके अंदर, देन पॉलिनेशन के टाइप क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस,
पोलन पिस्टल का इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो, फिर सीड एंड डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन, सीड का डेवलपमेंट एंड फ्रूट का फॉर्मेशन, स्पेशल टाइप के मोड्स, पार्थेनोकार्पी वगैरह, पॉली एम्ब्रायो वगैरह, देन सीड का डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसी चैप्टर में कवर करनी है। आई विल ट्राई कि मैं ये एक दिन में, मतलब जो आपका वन लेक्चर पर डे का जो हम लोगों ने रख रखा है कि मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करती हूँ, अगर उसमें मैं 101% कोशिश करूँगी कि वो 1 आवर की जगह 1.5 आवर का हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील, बट खाली 1 डे के अंदर जो है आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, आई विल ट्राई। तो ये चैप्टर फर्स्ट था आपका। नेक्स्ट इज अ चैप्टर नंबर थर्ड, इज अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वही चीजें आपको सारी इसमें कवर करनी जैसे हम उसमें कर रहे थे फ्लावर में। पहली बात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज ए टेस्टिस और ओवरी की पूरा एनाटोमी आपको कवर करनी है, एनाटोमी कवर करनी है टेस्टिस एंड द ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट इज ए गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस स्पर्म वाला वर्क हुआ, ओजेनेसिस हुआ, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन या इम्प्लांटेशन, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। तो दिस इज अ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये सारा आपका जो है सेकंड चैप्टर है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका पार्ट है, वो आपको इसके अंदर पूरा कवर अप करना है। लाइक फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लैक्टेशन का वर्क है, वो सारी आपको इसके अंदर कवर कर। तो ये सारा आपका चैप्टर थर्ड का था। देन चैप्टर नंबर फोर्थ, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑब्वियसली अब आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है तब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जो STDs हैं उनके बारे में कवर करना है। देन मैं आपको पढ़ाऊंगी बर्थ कंट्रोल, बर्थ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बर्थ कंट्रोल, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम MTP बोलते हैं, ठीक है, IVF हुआ, ठीक है, ZIFT हुआ एंड GIFT, ठीक है, ये कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या ये कुछ कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी चैप्टर में आपको कवर करनी पड़ेंगी।
ठीक है, और कुछ ऐसा चीज में खास नहीं है। हाँ, ये इजीली वन डे में हो जाएगा, आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और इतना कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। ठीक है, गाइस तो ये आपका इधर तक का वर्क है, मतलब इतना आपका ये चैप्टर है, जो आपका शायद आई थिंक इससे ज़्यादा, ये जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, रिप्रोडक्शन यूनिट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देन फिर कंफर्म करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में फर्स्टली वही चीज़, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड द इवोल्यूशन, नहीं, इनहेरिटेंस इन द वेरिएशन। इवोल्यूशन नहीं है, इनहेरिटेंस इन द वेरिएशन है। ठीक है, उसमें आप लोग क्या क्या कवर करेंगे, मेंडल्स लॉ आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम भी हो, तो मेंडल्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स माई वेरी फेवरेट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद जितने भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी जो हुई, क्रोमोसोम जीन्स वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे मेन पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन वो भी किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आप जब सेक्स डिटर्मिनेशन कवर अप करेंगे, तो आप क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हुआ है ह्यूमंस के अंदर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है मैंस के, ह्यूमंस के अंदर, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आते हैं, वो सब कवर किए जाए। चैप्टर नंबर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, फर्स्ट इज द जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना, देन डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, देन डीएनए की पैकेजिंग, देन डीएनए रेप्लिकेशन, देन सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड,
देन इज इट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हुआ, जीन एक्सप्रेशन हुआ, रेगुलेशन हुआ, लैक ऑपेरॉन वगैरह जो भी होता है। राइस का जीनोम प्रोजेक्ट जिसको हम RCRGP बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द DNA फिंगरप्रिंटिंग, लास्ट होगा ये DNA। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये सब कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद आएगा बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर में जो हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8 रहेगा ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बायो पढ़ी है, बायो ली है, तो बीमारियों से तो आप दूर जा नहीं सकते, से जोक्स अपार्ट, ठीक है। इसमें आप पैथोजेंस वगैरह क्या क्या होते हैं, पैथोजेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। देन ह्यूमन डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, एंड अभी के टाइम में सबसे बड़ी डिजीज क्या है, COVID-19, ठीक है। उन सब के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर द कंट्रोल, और बेसिक कॉन्सेप्ट इम्यूनोलॉजी का कंप्लीट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, देन उसके बाद जितने भी वैक्सीन हैं, कैंसर है, HIV है, ठीक है, एड्स है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब वैक्सीन्स, HIV, एड्स, ठीक है, कैंसर, जो ऐसी बीमारियां जिनका भी कुछ भी कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूसेस, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 10th। चैप्टर नंबर 10th इज ए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप इसमें फूड प्रोसेसिंग का पूरा वर्क, फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या वर्क करता है, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग STP भी बोलते हैं, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन। गाइस जस्ट 2 मिनट्स प्लीज आप वेट कीजिए, 2 मिनट्स। तो गाइस आप लोगों का क्या था, अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन, वो कवर अप करनी है, ठीक है। उससे पहले क्या क्या है, उससे पहले माइक्रोब्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वही पैथोजन, ठीक है, पैथोजन, उसके बाद सारी डिजीज के बारे में, लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, नमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, रिंग वॉर्म, देन HIV, एड्स, कैंसर, ठीक है।
देन नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसकी मैं आप लोग जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो कवर अप करेंगे। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम लोग एसटीपी भी बोलते हैं, बट कवर अप करेंगे खाली आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज एनर्जी जनरेशन, माइक्रोब, बायो कंट्रोल एजेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो आप कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, आप इसकी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, वो कंप्लीट करेंगे। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आरडीडी भी बोलते हैं। सेकेंड और आपका इस यूनिट का लास्ट चैप्टर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो आप इस चैप्टर में कवर अप करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मेनली एग्रीकल्चर, फर्स्ट आपका एप्लीकेशन क्या आएगा, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंसुलिन और इंसुलिन वगैरह में और वैक्सीन वगैरह में क्या यूजेस है, उनके प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है। नेक्स्ट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी बायोटेक का क्या क्या नीड है, उसमें उसकी क्या क्या जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ तक हेल्प करती है। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी, ठीक है, बायोसेफ्टी इश्यूज और पेटेंट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। लास्ट यूनिट है आप लोगों की, लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट। लास्ट यूनिट नेम इज इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, फर्स्ट इज यूनिट चैप्टर नेम इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप जो भी इंडियन पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनके हैबिटेट क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, उनका पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, प्रिडिक्शंस क्या क्या है, बर्थ ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लाइक इंट्रेक्शन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इन्वायरमेंट का या पॉपुलेशन का, ऑर्गेनिजम्स का, आपका हैबिटेट, उनका नेचर डिस्कस करना, इकोलॉजिकल एडेप्शन चेक करना, ये सारा जितना भी पार्ट है वो आप इसी में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजिकल adaptation. Next chapter is biodiversity and उसके conservation,
तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, ओ सॉरी, तो बायोडाइवर्सिटी एंड यस आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, किसको कहते हैं, उसका क्या मतलब है, पैटर्न क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, रेड डेटा बुक्स किसको बोलते हैं, हॉटस्पॉट क्या चीज है, वाइल्ड लाइफ क्या है, नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरीज क्या है, ये सारी जो मेन मेन कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हम यही कवर अप करेंगे, लाइक रेड डेटा बुक जिसको आप आरडी भी लिख सकते हो, बायोस्फेयर, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी 12th क्लास के बायो के पूरा जितना भी सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें हैं, जो कल से हम लोग मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। ट्राई पूरा किया ही जाएगा कि एक दिन में एक चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाए, ये हम पूरा कोशिश करेंगे। एंड देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइक योर जो रिप्रोडक्शन वाली आपकी यूनिट होगी उसकी मार्किंग जो डिसाइड की है सीबीएसई ने, 40 मार्क्स की वो पूरी यूनिट होगी, मतलब उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसमें से टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स से 18 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है वो भी 14 मार्क्स का है, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज अगेन 12 मार्क्स का, तो टोटल आपका थ्योरी एग्जाम जो इज 70 मार्क्स एंड 30 का आपका क्या आएगा प्रैक्टिकल। ओके गाइस, तो 70 का आपका थ्योरी मार्क्स होगा एंड 30 का जो है वो प्रैक्टिकल है, ये वो मार्किंग है जो सीबीएसई ने डिसाइड की है आपके नए सिलेबस फॉर्म करने के बाद, ठीक है, ये पूरा एक नया सिलेबस फॉर्म किया गया है जिसमें कुछ चीजें जो है वो हटाई गई हैं, कुछ चीजें ऐड तो ऐसा कुछ खास किया नहीं गया है बट मोस्ट प्रोबेबली चीजें हटाई ही गई हैं, तो उस हिसाब से ये मार्किंग डाली गई है हर यूनिट रिलेटेड, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस इतने के इतना ही था, क्योंकि आज का जो सेशन स्टार्ट रखना था हमें वो खाली सिलेबस रिलेटेड रखना था, एंड कल से जो मैराथन स्टार्ट होगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जाएगा आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देन ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्शन, देन ऐसे आगे आगे करके आपका जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में आपका ये जो मैराथन स्टार्ट किया गया है वो मैराथन 15 डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई चैनल, आई होप ऑल आर गुड, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल, थैंक यू सो मच।